अब हम बात करते हैं द फोर्थ टाइप ऑफ डियामिनेशन विच इज द ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन इंतहा ईजी है याद रखना वो कैसे है वो मैं आपको बताऊँगी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन द अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड टू द कॉरस्पोंडिंग कीटो एसिड मतलब कि अमाइनो एसिड जब से जब अमोनिया निकल जाता है तो वो खुद एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मतलब ये कि इस प्रोसेस में अमाइनो एसिड किसी कीटो एसिड के साथ किसी डिफरेंट कीटो एसिड के साथ अपना अमोन अमाइनो ग्रुप एक्सचेंज नहीं कर रहा वो अमाइनो एसिड खुद एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है So, during oxidative deamination, an amino acid is converted to its corresponding keto acid by removal of ammonia or amine functional group as ammonia. The amine functional group is replaced by a ketone group, and the ammonia eventually goes into the urea cycle. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अकर्स प्राइमारली ऑन एसिड और ग्लुटामेट बिकॉज इट वॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मैनी ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस तो आपको याद है जब हमने ट्रांस एमिनेशन पढ़ा मैं क्विकली ज़रा ट्रांस एमिनेशन पर जाती हूँ तो जनरली ट्रांस एमिनेशन में क्या हो रहा होता है कि कोई भी मायनो एसिड दुनिया का कोई भी माइनो एसिड एल्फा कीटो ग्लूटा के साथ अपना अमाइनो ग्रुप एक्सचेंज करता है वो अमाइनो एसिड खुद अल्फ़ा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो अल्फ़ा कीटो कीटोग्लुटारेट में जब अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट खुद एक अमाइनो एसिड है ठीक है तो आपने देखा कि एंड रिजल्ट हर ट्रांस रिएक्शन का जनरली ये है कि ग्लूटामेट बनना है बिकॉज अल्फ़ा कीटो कीटोग्लुटारेट में अमाइनो ग्रुप जब ऐड होगा तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाए ग्लूटामेट ख़ुद भी एक अमाइनो एसिड होता है तो ये देख लिया हमने तो हमने ये बात यही दोबारा रिपीट की कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यूजुअली ग्लूटामेट पे होता है बिकॉज इट वाज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ मैनी ट्रांसमिनेशन रिएक्शन ठीक है ग्लूटामेट मेट वो एंजाइम जिसने ग्लूटामेट में से अमाइनो अमोनिया को निकाल देना होता है इट इज़ दिस एंजाइम तो ये एंजाइम इज़ कंट्रोल्ड बाई ए एंड ए ए टी पी इस एंजाइम को इनहिबिट करता है और ए डी पी डी पी एक्टिवेट करता है इसकी रीज़न अभी यहाँ पे आप बताऊँगी आपको इस रिएक्शन को देख लें कि जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट जो हमारा बना था एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इस ग्लूटामिक एसिड में जब वाटर ऐड हुआ तो ये ग्लूटामिक एसिड वापस अपने कीटो कॉरिस्पोंडिंग कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया मतलब ये ग्लुटामेड तो था वो वापस अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया और जो अमाइनो ग्रुप था वो अमोनिया के तौर पे रिलीज़ हो गया ठीक हो गया तो ये तो इजी था याद रखना को इंज़ाइम क्या है इस ये जो ये जो रिएक्शन हो, हो रहा है ना ये इस इंज़ाइम की वजह से हो रहा है ग्लूटा में डिहाइड्रोजन इसलिए अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है ना यहाँ परेशान ना हो अभी मैं जब समरी नोट्स में डिस्कस करूँगी तो बड़ा इजी सिक्वेंशियल और मज़े का याद होगा तो अभी सिर्फ कन्सेप्ट बिल्ड करें अपना ठीक है तो ये, वो एंजाइम जो ये रिएक्शन करवा रहा है दिस वन ग्लूटामेट को वापस अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट कर और अमाइनो ग्रुप एज अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है दैट एंजाइम इज़ द ग्लूटामेट मेट डिहाइड्रोजनेट एंड दिस इज़ अनयूजुअल दैट इट कैन यूज़ द को इन्जाइम आइदर एन प्लस और एन प्लस ये दोनों में इन दोनों में से कोई भी को यूज़ कर सकता है अब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा द रिया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रेलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लुटारेट अमोनिया एंड द रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस को बेसिकली ये रिएक्शन ये वाला रिएक्शन किस डायरेक्शन में फॉलो करेगा मतलब ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लुटारेट बनाएगा और अमोनिया रिलीज होगा या अल्फ़ा कीटोग्लुटारेट वापस ग्लूटामेट बनाएगा ठीक है तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्लेस करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्सप्रेस करेगा कि आपके बॉडी में ग्लूटामेट के कितने लेवल्स हैं ऑब्वियसली जब आपके रिएक्टेंट्स या ग्लूटामेट का बॉडी में लेवल ज़्यादा होगा तो रिएक्शन विल कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा बिकॉज आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा प्रोटीन के इंटेक की वजह से माइनो एसिड ज़्यादा हो, हो गए और उन अमाइनो एसिड्स ने ट्रांस करके अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया था अब इस ग्लूटामेट में से जब अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाएगा तो वापस ये ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा और अमाइनो ग्रुप एज अमोनिया निकल जाएगा आपकी बॉडी से ठीक है तो वही उसने ये बात बताई कि ये डायरेक्शन इन पे डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर इंजेशन ऑफ अ मील कंटेनिंग प्रोटीन ग्लूटा लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं क्यों ग्लूटामेट लेवल बॉडी में बनते हैं क्यों क्योंकि अमाइनो एसिड जब आपने बहुत ज़्यादा खा ली उन्होंने ट्रांसएमिनेशन कर ली विद कीटो ग्लूटारेट, वो अल्फ़ाकिटोग्लूटारेट ड्यू टू ट्रांस ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया अब उस ग्लूटामेट ने में से जब आ, उस ग्लूटामेट की जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी मतलब उस ग्लूटामेट में से जब अमोनिया निकल जाएगा तो वापस अल्फा कीटोग्लुटारेट रह जाएगा ठीक है और वो अल्फ़ा कीटोग्लेट दोबारा ट्रांसमिनेशन की रिएक्शन में यूज़ होगा सो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ मील कंटेनिंग प्रोटीन द ग्लूटामेट लेवल्स इन द लिवर ऑफ आर हाई एज आर टोल्ड यू एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्लेस करेगा कि ग्लूटामेट अल्फ़ा एल्फा कीटोग्लुटारेट में कन्वर्ट हो जाए और अमाइनो अमोनिया आपकी बॉडी से निकल जाए एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स जी टी पी इज़ अ एलोस्टेरिक इन्हीबिटर ऑफ दिस इन्जाइम जिसने ग्लूटामेट को एल्फा ग्लूटारेट और एमोनिया में कन्वर्ट करना है मतलब जिस एंजाइम ने ये रिएक्शन मीडिएट करना है ठीक है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड को अल्फ़ा ग्लूटारेट में कन्वर्ट करना है और अमोनिया बनना है ठीक है तो उस एंजाइम के एलोस्टेरिक जो इनहेबिटर है वो जी टी पी है और ए डी पी उसका एक्टिवेटर है तो उसका मतलब क्या हुआ अब ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताना चाह रही थी वो ये था जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो होता है ना तो आपकी बॉडी अपने ही प्रोटीन्स या अमानो एसिड जो आपकी बॉडी में होते हैं उनको यूज़अप करना शुरू कर देती है जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो होगा तो वेन एनर्जी लेवल आर लो इन द बॉडी मतलब आपकी बॉडी में ए है ही नहीं पड़ी ही ए डी पी हुई है जा रहा है ए टी पी तो तब होगी ना जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे तो अक्ल आई ए ने बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करना ताकि अमाइनो एसिड डिग्रेड ना हो क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है लेकिन जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो है अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन बाय दिस इंजाइम ग्लूटामेटी हाइड्रोजन हाई हो जाती है बिकॉज ए एक्टिवेट कर देता है इस एंज़ाइम को और आपकी बॉडी अमाइनो एसिड्स को खाना शुरू कर देती है टू मेक एनर्जी सो एनर्जी लेवल्स आर लो इन द सेल अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन बाय ग्लूटा मेडिहाइड्रोजन इज हाई फिसलिटेटिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द कार्बन अमाइनो एसिड्स, सो इट इज इजी टू रिमेंबर वाई ए डी पी इज द एक्टिवेटर एंड वाई जी टी पी और ए टी पी इज द इनएक्टिवेटर ऑफ दिस इन्जाइम ठीक है तो ये जनरल एक फ्यूचर आपको दिखाया गया बड़ा आसान कि ये आपकी बॉडी आपकी प्रोटीन आपने प्रोटीन खाए आपकी प्रोटीन जब आपने खा ली है तो जी में जाके आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए जो पिछले लेक्चर में बात की अब इन अमाइनो एसिड्स ने ट्रांसमिनेशन की अल्फ़ा ग्लूटारेट के साथ और वो अल्फ़ा ग्लूटारेट में जब अमाइनो ग्रुप ऐड हो गया अमाइनो एसिड का तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया आपका अल्फा ग्लूटारेट अब इस ग्लूटामेट में से जब अमोनिया निकल जाएगा या अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा तो ये ग्लूटामेट की क्या हो रही है ऑक्सीडेटिव डि जिसकी वजह से ग्लूटामेट में से अमोनिया निकल जाएगा और ये अमोनिया फिर आपका यूरिया साइकिल में चला जाएगा और अगर ये अमोनिया आपके लिवर में नहीं बन रहा आपके बॉडी के दूसरे सेल्स अमोनिया बना रहे हैं तो ये बात जहन में रखिए कि जो अमोनिया गैस होती है वो आपके बॉडी के लिए आपके ब्लड के लिए बहुत टॉक्सिक होती है तो उसे किसी नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके पेरेफ्रल टिश्यूज़ को लिवर तक पहुंचाना होता है तो वो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वो कैसे करता है ठीक है तो ये एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं दोबारा कि आपके प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुए जी आई टी में अमाइनो एसिड्स को आपके इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब कर लिया वो अमाइनो एसिड जब आपके लिवर में गए या किसी और सेल में गए उनकी ट्रांसमिनेशन हुई विद एल्फ़ा कीटोग्लूटाट वो अल्फ़ाकिटो ग्लूटा रेट में जब अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ फ्रॉम अमाइनो एसिड्स तो वो कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में अब जो ये ग्लूटामेट बन गया था इसकी ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन हुई और इसमें से अमोनिया निकल गया अगर ये रिएक्शन लिवर में हो रहा है और ये अमोनिया फिर आपके यूरिया साइकिल में चला गया लेकिन अगर यही अमोनिया आपके दूसरे बॉडी के जिसे कह रहे हैं सेल्स बना रहे हैं तो ये अमोनिया क्या होगा चूँकि आपके बॉडी या ब्लड के लिए ऑक्टॉक्सिक होगा तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं अदर देन लिवर उसको लेक्स टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि वो लिवर तक पहुँच सकें तो ये अमोनिया ऐड हो जाता है ग्लूटामेट में और वो ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्लूटामीन एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है और फिर ये आगे से लिवर में भी जा सकता है डीएमिनेशन के लिए और किडनी में भी जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे कैसे सो ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया टू लिवर तो अगर आपके लिवर के अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा ग्लूटामेड जो है वो ग्लूटामेड की ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन जो है वो लीवर के बजाय किसी और आपकी बॉडी के सेल में हो रही है ठीक है मतलब अमोनिया आपके किसी और सेल ऑफ द बॉडी में बन रहा है एंड आई हैव टोल्ड यू अमोनिया आपके बॉडी के लिए या ब्लड के लिए टॉक्सिक होता है तो उन पेरीफ्रल टिश्यूज़ ने किस तरह फिर लिवर तक उस अमोनिया को पहुंचाना है तो वो उस अमोनिया को एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर तक पहुंचा पहुंचा सकता है और अगर यही रिएक्शन ग्लूटामेट से अमोनिया रिलीज़ हो रहा है और अल्फ़ा कीटो कीटोग्लूटोरेट दोबारा बन रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं होती बिकॉज वो रिएक्शन ऑलरेडी लिवर में हो रहा है लेकिन अगर ये रिएक्शन लिवर में नहीं हो रहा है और अगर आपके पेरीफ्रल टिश्यूज़ अमोनिया बना रहे हैं बाय ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन ऑफ रूटामेट तो इस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में लिवर तक पहुँचाना होता है और उसके दो तरीके होते हैं टू मैकेनिज़म्स आर अवेलेबल इन ह्यूमन बींग्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ़ अमोनिया from peripheral tissues टू liver फॉर इट्स अल्टीमेट कन्वर्जन टू यूरिया और वो कौन से दो तरीके हैं पहला ट्रांसपोर्ट मैकेजम बहुत इम्पोर्टेंट फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज इट यूज़ ग्लूटामिन सिंथेटेज इट इज़ एन एंजाइम व्हिच कंबाइंस अमोनिया एंड ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामेट जो था वो आपके बॉडी में वैसे भी आपके सेल्स में पड़ा होता है ठीक है तो इस ग्लूटामेट में जब एडिशनली आप अमाइनो अमोनिया डाल दो मतलब ग्लूटामेट में से कोई अमाइनो ग्रुप नहीं निकलेगा इस ग्लूटामेट में जब आप अमाइनो ग्रुप सॉरी अमोनिया ऐड कर दो तो ये ग्लूटाम में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूटाम आपका एक नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया है और फिर ये ग्लूटामीन आपके लिवर में जाएगा और ये ग्लूटाम uh, के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा ग्लूटामिनेज़ ये उस ग्लूटामीन को ग्लूटामेट में और फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा सिंपल तो इनिशियली क्या होगा कि ग्लूटामेट में ग्लू अमाइनो अमोनिया ऐड होगा ग्लूटामीन बनेगा और ये ग्लूटामीन फिर आपके लिवर तक ट्रैवल करेगा एंड इन द लिवर इट इज़ क्लीव्ड बाय द एंजाइम ग्लूटामिनेस टू फॉर्म ग्लूटामेट एंड फ्री अमोनिया एंड देन दिस फ्री अमोनिया एड एंटर्स द यूरिया साइकिल सेकेंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है इट इज़ यूज प्राइमरिली बाय मसल्स तो मसल्स क्या करते हैं आपके बॉडी के मसल्स आपकी बॉडी के क्या करते हैं जब उनमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन और एनी टाइप ऑफ डियामिनेशन तो क्या होता है जो अमोनिया बन रहा होता है आपके मसल्स में आपके मसल्स उस अमोनिया गैस को पायरोवेट में ऐड कर देते हैं और फिर वो पायरोवेट बेसिकली जब पायरोवेट के अंदर अमोनिया ऐड होता है तो वह पायरोवेट एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अमाइनो एसिड and alanine is a नॉन टॉक्सिक फॉर्म इट इज अ amino acid दिस alanine इज ट्रांसपोर्टेड by ब्लड टू द liver where इट इज़ converted बैक into pyruvate अगेन बाय ट्रांस मतलब ये कि आपके मसल्स के अंदर जो अमोनिया बन रहा था बा द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, वो अमोनिया पायरोवेट में एड होगा वो पायरोवेट के अंदर जब अमोनिया एड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एलानिन में ये एलानिन आपके लिवर में जाएगा आपका लिवर वापस इस एलानिन को पायरोवेट और अमोनिया में कन्वर्ट uh, कर देगा इन द लिवर द पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि दोबारा से ग्लूकोज का बनना फ्रॉम अमाइनो एसिड अमानो एसिड से ग्लूकोज का बनना इस प्रोसेस को ग्लूको नियोजेनेसिस कहा जाता है सो इन द लिवर द पाथवे ऑफ ग्लूको नियोजेनेसिस कैन यूज़ पायरोवे टू सेंथिसाइज ग्लूकोज विच कैन एंटर द ब्लड एंड कैन बी यूज बाय मसल अ पाथवे नोन एज द ग्लूकोज एलानिन साइकिल कितनी ज़बरदस्त बात की है उसने यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आ? आपके आपको मसल्स आपको पता है ना आपके मसल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो आपका मसल करता क्या है आपके मसल में जो कि अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स टू द प्रोसेस ऑफ डी अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो आपके मसल्स पहले क्या करते हैं इस अमोनिया को पायरोवेट में ऐड करते हैं और ये पायरोवेट जब एलानी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एलानिन मसल से लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है ये एलानी लिवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है इन बैक इंटू पायरोवेट एंड अमोनिया और ये अमोनिया गैस फिर यूरिया साइकिल में चली जाती है तो जब वो पायरोवेट जो दोबारा अमानो बन गया था फ्रॉम एलानिन वो पायरोवेट फिर आपका लिवर उस पायरोवेट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज़ करता है और वो फिर ब्लड से आपका मसल दोबारा उस ग्लूकोज़ को यूज़ कर देता है और ये साइकिल फिर कंटिन्यू होता रहता है सो दिस इज़ नोन एज द ग्लूकोज़ एलानिन साइकिल